जब अवतीर्ण हुई है उसी समय ज्यादा दूर नहीं अधिसप्त ग्राम नामक स्थान जहाँ हिरण्यदास और गोवर्धन दास दो भाई रहते थे और उस समय मुस्लिम पीरियड मुसलमान शासक उनके अंडर में काम करते थे बड़े अधिकारी रूप में। उस समय का इनकम था 12 लाख रुपया साल में, सालाना 12 लाख रुपया, मैंने आजकल का वर्तमान समय का वैल्यूएशन कितना होगा, 12 लाख माने 1 लाख रुपया पर महीना, कितना रुपया हो सकता है। उस समय का स्वर्ण मुद्रा था, 1 रुपया उसका वैल्यूएशन कितना है बताओ, ऐसे 1 लाख रुपया महीना इनकम मैंने अरब रुपया मान लो, लेकिन धार्मिक प्रवृत्ति के थे। हिरण्यदास का कोई पुत्र संतान नहीं था, उतना रुपया अथाह धन संपत्ति के मालिक हैं, और गोवर्धन दास का एक पुत्र रघुनाथ दास जन्म लिए हैं, ये तो पार्षदनु है, जन्म से ही वो पूर्व संस्कार भगवत भजन में एक तन्मयता एक तल्लीनता, भगवत भजन के प्रति एक तीव्र अनुराग, ये तो जन्म जन्म का संस्कार जातो सुकृति लभ्य कोई कोई साधक में दिखा जाता है, ये तो सहज नहीं है जन्म से थोड़ा ज्ञान होते ही भगवत उपासना के प्रति आग्रह तो ये तो पार्षदनु है, वो तो थोड़ा सा ज्ञान होते ही भगवत भवन में ऐसे तल्लीनता दिखने में आया, माता पिता भी सब भक्त हैं, परिवार ही सब भक्त हैं, तो उनको विद्याभ्यास के लिए उनको शिक्षा प्रदान किए हैं कर रहे हैं। फिर अद्वैत प्रभु के स्थान में जाते थे, वहाँ भी अद्वैत प्रभु के सान्निध्य में आकर के बहुत आनंद प्राप्त होते थे, उनके भीतर जो पूर्व जात संस्कार भक्ति के प्रति जो एक अनन्या एक आदर बुद्धि ये जागृति होने लगे, घर में आकर के हुई भगवत भाव में एक तल्लीनता तन्मयता, तो ये देख करके पिता माता ने जुदुनंदन आचार्य नाम के अद्वैत प्रभु के ही शिष्य उनके पास ले गए, देख करके बड़ा आनंद आया जुदुनंदन आचार्य का, जो ये तो बहुत संस्कार जातो ये तो बालक है, चलो इसको दीक्षा दे दो, बाल्यकाल में ही उनको दीक्षा दे दिया, दीक्षा देने के बाद से ही उनके भीतर भक्तिभाव की जागृति हो गई, हरिनाम संकीर्तन में एक तीव्र रुचि, हर समय भगवत चिंतन में एक तल्लीनता तन्मयता, अध्ययन तो कर ही रहे थे, तो पिता माता की बहुत संतोष है ऐसे सुंदर बालक हुए हैं कुल में जो पिता माता के नाम को रोशन करेंगे। इतना में हरिदास ठाकुर, हम लोग जो हरिदास ठाकुर के चिंतन कर रहे थे आलोचना कर रहे थे, हरिदास ठाकुर भी घूमते घूमते काम तो नहीं है अद्वैत प्रभु के वहाँ से दीक्षा लेकर विद्या अध्ययन करके फिर भजन के लिए चले गए हैं, आप महाप्रभु के प्रकट के इंतजार में बैठे हैं, कब महाप्रभु अपने को प्रकट करेंगे फिर उनके सान्निध्य में जाएंगे, और महाप्रभु उसमें अल्प उम्र थे इसीलिए हरिदास स्वामी हरिदास ठाकुर इधर उधर भजन करके अपने दिन व्यतीत कर रहे हैं, घूमते घूमते एक दिन आ गए हैं हिरण्य और गोवर्धन दास के घर, बड़े आदर के साथ उनको सम्मान किए हरिदास ठाकुर को, उस दिन रहे वहाँ, लेकिन इतना सुंदर बालक को देख करके ही उनका हृदय गदगद हो गया, आहा ऐसे सुंदर एक फूल ये अगर भगवत चरण में समर्पित तो हो जाए तो कितना सुंदर होता है। तो
बहुत लार प्यार करते थे रघुनाथ दास गोस्वामी को, तो उनको संग से अब रघुनाथ दास गोस्वामी के मन में और तीव्र वैराग्य उत्पन्न हो गया। और साधु तो है रघुनाथ हरिदास ठाकुर, वैरागी है, वो तो चाहते नहीं कोई संसारी हो जाए, वो तो चाहते हैं संसार से निवृत्त कर हरि भजन करें। उनके लिए थोड़ी है संसार के प्रति कोई लालसा है या कोई संसारी हो जाए ऐसा थोड़ी इच्छा है मन में कोई ऐसे संसारी हो जाए, वो चाहते हैं संसार नष्ट हो जाए और चले जाए हरि भजन करने के लिए वृंदावन। ऐसे ही साधु जो तीव्र वैराग्य लेकर के जो भजन में प्रवृत्त हो रहे हैं, ऐसे साधारणतः तो साधु की मनोवृत्ति रहती है कि सब हरि भजन करें, सब हरि भजन करें। तो उनको बहुत समझा बुझा करके उनके मन में एक वैराग्य की एक जैसे अग्नि प्रज्वलित कर दिया करके हरिदास ठाकुर तो हरे कृष्ण करते करते काम बना करके चल दिया। आ रघुनाथ दास गोस्वामी के तो आप संसार में मन नहीं, अब बड़े हो रहे हैं, थोड़े से बड़े हो गए हैं, अब संसार में मन नहीं, भागने का चेष्टा करते हैं, संसार में कोई काम में आग्रह नहीं, हर समय रोना पीटना, हा कृष्ण बोल के रोते हैं, पिता माता को कहते हैं हम संसार में रहेंगे नहीं, हम चले जाएंगे वृंदावन। पिता माता दिखते हैं अथाह संपत्ति, अगर कोई संतान ना रहे तो ये संपत्ति क्या काम की, ये तो हमारा कोई काम में आएगा नहीं। और संसारी लोग चाहते हैं जो पुत्र परिवार रहे, संसार में आनंद में रहें, सुखी रहें, धन दौलत रहें, मौज मस्ती रहें, ये चाहते हैं संसारी लोग। जिस संसार में कोई पुत्र संतान नहीं अथाह धन संपत्ति रहने से भी क्या है, वो पिता माता कभी सुखी नहीं हो सकते हैं। चाणक्य श्लोक में है अविद्यं जीवनं शून्यं दिक्शून्य चेत बंधवा पुत्रहीनं गृहं शून्यं सर्वशून्य दरिद्रता। ये चैतन्य बोलते चाणक्य श्लोक। जिसके जीवन में अध्ययन नहीं, पढ़ाई लिखाई नहीं है, अनपढ़ गंवार है, उसका जीवन बेकार, अविद्यं जीवनं शून्यं, वो जीवन बेकार है, कोई विद्या नहीं, पढ़ाई लिखाई की नहीं, अनपढ़ गंवार। दिक्शून्य चेत बंधवा, जिसका कोई मित्र नहीं, बंधु नहीं, सुहृद नहीं, उसका चारों ओर सुना है। संसार में रहने से मित्र बंधु रहना चाहिए, सुहृद रहना चाहिए, है ना, लेकिन ऐसा जो व्यक्ति है जिसका कोई बंधु मित्र सुहृद कोई है नहीं, उसका चारों ओर सुना है। पुत्रहीनं गृहं शून्यं, जिस घर में कोई बालक नहीं है, पुत्र संतान है ही नहीं, वो घर ही सुना है। और सर्वशून्य दारिद्रता, और सबसे बड़ा शून्यता क्या है, बोलते दारिद्रता, ये वो सबसे हीन है, सबसे सुना है वो। तो सोचते हैं जो हमारे इतना अथाह धन संपत्ति के एकमात्र अधिकारी रघुनाथ, लेकिन इसका मन संसार से हट गया है, भगवत चरण में मन लग गया है। खैर उन लोग भी सब भक्त हैं, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि सब छोड़ छाड़ के जंगल चले जाएंगे, गृहस्थी हैं, भजन भी करो भाई, भोग भी करो, जोग भी करो, ऐसे उनकी धारणा, उनकी मनोवृत्ति ऐसी है, संसार में रह करके संसार का सुख भी लो और थोड़ा थोड़ा भजन भी कर लो, थोड़ा सा और ही नाम करो, ठीक है, लेकिन एकदम छोड़ छाड़ के जाना चाहता है। तो एक अप्सरा समूह देखते हैं भाई, ऐसे एक सुंदरी कन्या संग्रह करो जिसके साथ इसके विवाह कार्य संपन्न किया जाए, जिससे उनके रूप गुण में मोहित होकर के कम से कम इसका मन संसार में लग जाए, संसार छोड़ने का जो मनोवृत्ति है हट करके संसार में थोड़ा सा आकर्षित हो जाए। अथा संपत्ति ऐसा तो नहीं, सुंदरी चाहिए, सुंदरी एक कन्या चाहिए, ऐसा ढूंढार के एक अप्सरा समूह कन्या, किशोर अवस्था है उस समय रघुनाथ दास गोस्वामी का, उनके साथ शादी करा दिए हैं। दिव्या अनिंदा सुंदरी, सर्वगुण संपन्ना,
लेकिन जिसका मन में एक बार कृष्ण प्रेम का छटा लग गया है उसको दिव्य अनिंदा सुंदरी क्या उनके मन को मोह सकते हैं, ऐसा होता ही नहीं। वो प्रेम का एक छटा अलग है, हमारे मन में वो छटा लगी नहीं जिस कारण हमको संसार अच्छा लगता है, यह कारण हमको वो छटा लगी नहीं, इसलिए हमको संसार अच्छा लगता है। भजन करते हैं लेकिन थोड़ा सा विषय कोई सुख हमारे सामने आ जाए तो हमारा मन को खींच ही लेता है, विवश होकर हम उसको चिंतन करने लग जाते हैं। कभी सेवन भी नहीं करते हैं फिर भी भीतर में चिंतन तो करते ही हैं ये दोष नहीं है, ये स्वभाव है। ये कहा जाए कि ये दोष है, ना 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 ना, ये दोष कहा नहीं जाएगा, ये अनंत काल का अनादि काल का स्वभाव है, है ना। इसीलिए महापुरुष का संग से जब उसको कृष्ण प्रेम के थोड़ा सा बीज उसके भीतर रोपित हो जाए, थोड़ा सा छटा उनको दिखने में लग जाए, तो जाके ऑटोमेटिकली दृश्यमान जागतिक वस्तु पदार्थ से मन संपूर्ण रूप में हट करके भगवत चरण कमल में मन रूप भ्रमरा जा करके लग जाते हैं और वहां से हटता नहीं। बोलो, कभी कभी साधक के ऐसी बीच की सी दशा आ जाती है, ना तो वो संसार का सेवन कर सकता और ना ही जो है भगवत स्मृति या उस्फुरन लीला इत्यादि कोई इस तरह का भी नहीं रहे, कभी कभी बड़ा सूखापन आ जाता है, तो ये दशा क्या भगवत इच्छा से ही होती है? हाँ, ये तो भगवत इच्छा से ही, माने पूर्व पूर्व जो संस्कार है, पूर्व पूर्व साधन का उस स्थिति से हम आए नहीं है, जिस कारण हमारा मन वो पूर्व पूर्व जन्म का जो संस्कार है रहने के कारण कभी विषय अभिनिवेश आ जाता है, साथ साथ भजन भी करते हैं, सत्संग के प्रभाव से हमारे मन में जागृति हो गई है कि हरि भजन ही जीवन का सार है, ऐसे विष का स्थिति हो जाती है। लेकिन उस स्थिति में महत्पुरुष के सान्निध्य में रहना चाहिए, साधु संग में रहना चाहिए, तो बचाव हो जाता है। अगर ऐसा नहीं तद विपरीत, माने उस स्थिति में अगर विषयी लोगों का संग, संसारी लोगों का संग, भोग्य वस्तु पदार्थ के संग हो जाए तो कभी कभी साधक को खींच करके संसार की तरफ ले जाता है। अगर वो विधि पूर्वक सेवन नहीं करते हैं लेकिन अविधि पूर्वक भी सेवन करने में प्रवृत्त हो जाते हैं साधक, संभावना है। इसीलिए ये जो विष की स्थिति है, इस स्थिति में साधक को महत्पुरुष के संग में रहना चाहिए, सान्निध्य में रहना चाहिए, उनके उपदेश अनुसार चलना चाहिए। तत्सही साधन चेष्टा ध्यान धारणा उपासना, इसमें तत्परता, आहार शुद्धि, संग शुद्धि इत्यादि शुद्धिकरण के माध्यम से धीरे धीरे मन को भगवत चरण में लगाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए, तो भगवत कृपा से धीरे धीरे वो पार लगा देता है। जो भी संसार सागर से पार लगाए हैं सभी इसी तरीका से लगाए हैं, ये नहीं जन्म से ही एकदम सिद्ध होके आया है, एकदम साधन ले लिया और मन एकदम तल्लीन हो गया, ऐसा होता नहीं, इतना सहज नहीं है, कठोर संग्राम करना पड़ता है मन के साथ, तन के साथ नहीं, मन के साथ। ये मन का संग्राम बड़ा भयंकर संग्राम है, कभी कभी भोग वासना आकर के साधक को आकर्षित करता है, साधक उसमें विवेक विचार के द्वारा उसको प्रतिहत करता है, करने का कोशिश करता है, नहीं नहीं नहीं, यह हमको विषय, ये मन में ऐसा होना नहीं चाहिए, विषय सान्निध्य में हमको जाना नहीं चाहिए, मन तो कह रहा है थोड़ा चलो विषय देखो कैसे हैं, लेकिन विवेक उसको प्रतिहत करते हैं कि नहीं 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 ऐसे नहीं करना चाहिए। इस तरह से धीरे धीरे साधक महत सान्निध्य में रहकर सत्संग में रह करके तीव्र भजन क्रिया के द्वारा धीरे 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 ये बीस वाली स्थिति जो है इसको पार करके आगे निकल जाता है। ऐसे है तो रघुनाथ दास गोस्वामी को शादी करा दिए हैं एक दिव्या अनिंदा सुंदरी, एक अप्सरा सम भारिया, लेकिन मन लगता नहीं है, मन लगता नहीं है। इधर खबर हो गए हैं महाप्रभु संन्यास लेकर शांतिपुर आए हैं,
महाप्रभु शांतिपुर आए हैं, अब मन विचलित हो गया रघुनाथ दास का श्रमिक, आप हमको शांतिपुर महाप्रभु से मिलने के लिए जाना है। आप पिता देखते हैं ये बच्चा तो भाग जाएगा, तो उनके उनको देखभाल के लिए 11 जन नौकर रखे हैं, 11 नौकर, एक जन दो जन अथा पैसा है, माने पानी लाओ बोलने से 11 गिलास पानी आ जाता है। भाई पैसा अथा पैसा खाने वाला कोई है नहीं, क्या करेंगे, चलो हमारा देखना, रात भर पहारा देना, ये सब सोता रहेगा तो भी सब जाग जाग के पहारा देते थे, ये रात को भाग ना जाए अंधकार में, कहीं जाते हैं तो पीछे पीछे 8-10 जन चले जाते हैं, कहीं भाग ना जाए। और रघुनाथ दास को देखते ये तो महा आफत आ गया, अब ऐसे बंधन में रहना तो बड़ा मुश्किल है, अब मन तो बहुत विचलित हो गया है, सुने हैं महाप्रभु संन्यास लेकर शांतिपुर आए हैं, आप पिता को कह रहे हैं हमको थोड़ा अनुमति दीजिए, मैं थोड़ा महाप्रभु से मिलना चाहता हूँ। पिता देखते हैं ऐसे ही तो बैराग की आग जल रहा है, अभी अगर महाप्रभु के सान्निध्य में जाएगा तो फिर जाके ना जाने वहीं से ही भाग जाएगा, तो अनुमोदन नहीं करें, नहीं नहीं बेटा ऐसा नहीं, अभी रहो, अकड़ के नहीं, बड़ी मीठी, ऐसे नहीं हो तो आ ही जाएंगे, फिर नवद्वीप में आएंगे फिर मिलना, ऐसा नहीं अभी ऐसा है तैसा है, तो बोलता है आप अगर मिलने नहीं दोगे तो मैं आत्महत्या कर लूँगा, एकदम हट पड़ गया रघुनाथ दास गुस्सा में। आप देखते हैं तो ये तो मुश्किल है, इसको तो छोड़ना ही पड़ेगा, जाने देने, तो 4-5-7 प्यादा नौकर दे करके बहुत सामान सट्टा बूढ़ों को दे करके महाप्रभु के लिए दे करके शांतिपुर भेज दिया है। शांतिपुर जा करके महाप्रभु के चरण कमल में आ करके बहुत रोए, इतना रोए जे प्रभु हमको ये संसार चक्र से मुक्त करा करके तुम्हारे चरण कमल में स्थान दे दो प्रभु, इतना कृपा करो, हमको कुछ नहीं चाहिए, अनंत कोटि ब्रह्मांड की कोई सुख समृद्धि हमको नहीं चाहिए, हमको बस तुम्हारे चरण कमल में अनन्य प्रेम चाहिए प्रभु, कैसे भी हो हमको वो प्रेम दो, हमको ले चलो ये संसार से, ये संसार नरक ये हम जैसे हम यहाँ भोग रहे हैं। तो महाप्रभु क्या कहते हैं, मरकट वैराग्य ना देखा लोग देखा यथाजोग्य विषय भुंज अनाशक्त हुआ অন্তরে নিষ্ঠা করি বাহিরে লোক ব্যবহার অবশ্য কৃষ্ণ তোমায় করিবেন উদ্ধার, ভালো না খাইবে আর ভালো না পরিবে অমানি মানত কৃষ্ণ নাম সদা লবে ব্রজে রাধা কৃষ্ণ সেবা মানুষে করিবে। এসকা মানে এসে হ্যাঁ মহাপ্রভু এ নেই করেনি তো চলো, মহাপ্রভু কে রে মরকট বৈরাগ, মরকট বৈরাগ মানে বন্দর কা বৈরাগ, হ্যাঁ बैरागी देखो बंदर से बड़ा बैराग हो नहीं सकता है, पहले तो नंगा रहता है, दो नंबर कितना भी अमृत दो बंदर संग्रह नहीं करता है, खा के भी फेंक के चला जाएगा, बहुत सारे जीव है तो संग्रह करता है, गिलहरी है, कौआ है, कुत्ता है, ये संग्रह करता है, प्रवृत्ति है, लेकिन बंदर संग्रह नहीं करता है, कितने भी अमृत दो जितना खाना है खाएगा फेंक के चला जाएगा। फिर सब जीव का एक घोंसला है रहने का, चींटी भी है वो भी मिट्टी के नीचे गड्ढा करके वहीं घर बना के रहता है, एकमात्र बंदर है जिसका कोई रहने का स्थान नहीं, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ कभी छत पर कभी है, तो बंदर को सबसे बड़ा बैरागी कहना चाहिए, बोलता है ना इसको बैराग नहीं कहा जाता है, बैराग किसको कहते हैं, त्रिविध नरक शेदंग दारम नाशनम आत्मन काम क्रोध तथा लोभ तस्मत तत्त्वजित, काम क्रोध लोभ ये तीन नरक का द्वार है, ये तीन को त्याग करना ही त्यागी है वो, ये तीन को जो त्याग किया है वो ही संसार छोड़ के जाने का उपयुक्त है, संसार छोड़ के वो जा करके एकांत में भजन करने का अधिकारी हो सकता है, ये तीन ही मूल है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम जैसे साधक भीतर में तो काम क्रोध लोभ है, बाहर में बैराग लेकर चले जाते हैं, कोई जंगल में जाकर के कुछ जैसे बहुत कुछ कर लेंगे किंतु होता नहीं है, भीतर में बैठा हुआ है दुश्मन, वो दुश्मन तुमको धीरे धीरे एकांत में पा करके तुमको धीरे धीरे नष्ट कर देता है, भीतर में रह गया दुश्मन। तो इसीलिए महाप्रभु कह रहे हैं ऐसा बैराग नहीं करना, बंदर जैसे बैराग नहीं करना,
मरकट बैराग्य ना करिया, लोग देखाया जथा योग्य विषय बन जो अनाशक्त हो या। जैसे विषय है ना उसको जैसे भोगना है भोगो, लेकिन अनाशक्त होकर शरीर रक्षा के लिए जितना तुमको संग्रह करना है, लेना है, स्वीकार करना है, शरीर को देना है उतना दो, लेकिन अनाशक्त होकर जानना इससे तुम्हारा आत्मा का कोई संबंध नहीं है। हमारे आत्मिक संबंध तो एकमात्र हमारे जुगल किशोर के चरण कमल ही हमारा एकमात्र संबंध है। अनाशक्त हो यार, अंतरे निष्ठा करी बाहरी लोग व्यवहार, भीतर में निष्ठा करना लेकिन बाहर में किसी को दिखाना नहीं जो मैं बहुत भक्त हूँ, मैं बड़ा भजन आनंदी हूँ, ये शो नहीं कराना। क्यों? दिन काल ऐसे ही पड़ गया है, समालोचना करेंगे, बाधा देंगे, उत्पात मचाएंगे, तुम्हारा मन को खिन्न कर देंगे। इसका समय ऐसा आ गया, इसीलिए बोलते हैं बाहर में दिखावा व्यवहार, लोग व्यवहार जैसे करते वैसे करो। अंतरी निष्ठा करी बाहरी लोग व्यवहार, अवश्य कृष्ण तुम्हारे करीबे उद्धार, बोलते अवश्य कृष्ण तुमको उद्धार करेंगे। फिर कह रहे हैं भालो ना खाई बे, भालो ना पड़ी बे, बढ़िया बढ़िया खाना पीना, बोलते हैं नहीं अच्छा नहीं खाना। क्यों? जैसे खाओगे ऐसा मन होता है, ज़्यादा उत्तेजक द्रव्य खाओगे, ज़्यादा विटामिन प्रोटीन लोगे तो शरीर में रजगुण उत्पन्न हो जाएगा, रजगुण से काम क्रोध लोक पैदा होगा, इसलिए सात्विक आहार, इसलिए सात्विक आहार लेना है। तो कहते हैं तुम इस तरह से संसार में रह करके भजन करो, फिर समय आने पर प्रभु ऐसे तुमको उपाय बताएंगे, तुम आ जाओगे, हम भी नीलाचल जाएंगे, कोई छल करके तुम हमारे पास आ जाना, अभी जाके संसार में इस तरह से रहो, फिर हमारे पास वो उपाय प्रभु तुमको प्रेरणा देकर तुम्हारे भीतर बैठ करके तुमको बताएंगे। अभी तुम, अभी तुम्हारा समय नहीं हुआ है, अभी तुम जाओ और ऐसा करो, घर में दिखाना नहीं, शो नहीं कराना, शो कराने का कारण तुम्हारा इतने बाधा आ रही है, दिखाओ जी नहीं हम भजन भजन नहीं करते हैं, तो ये बाधा हटा देंगे, फिर तुम्हारा आना सहज हो जाएगा। महाप्रभु को आशीर्वाद किए हैं, वहाँ 7-8 दिन महाप्रभु के सान्निध्य में रहे रघुनाथ दास गोस्वामी, और महाप्रभु आदर करके उनके प्रसादी जो झूठा जो प्रसाद है वो देते थे, ले रघुनाथ तुम खाओ, बड़े आदर करके देते थे। 7-8 दिन वहाँ रह करके महाप्रभु आशीर्वाद प्रदान किए, तुम चिंता नहीं करना, संसार तुमको बंधन नहीं कर सकता है, समय आने पर वो उपाय तुम खुद ही तुम प्राप्त कर लोगे और हमारे पास आ जाओगे, चिंता नहीं करना, अभी जा करके विषय जैसे संसार में रहो। रघुनाथ दास गोस्वामी आ गए हैं घर में, घर में आकर के साधारण विषय जैसे जैसे हम भजन छोड़ दिया, चालाकी कर रहे हैं, सबसे विषय चर्चा यहाँ ऐसे, यहाँ वहाँ खजाना इतना बाकी है, वहाँ ऐसा है, ऐसा है, तैसा है, जैसे खूब विषय हो गया है घर में, ये काम करना, वो काम करना, पहले कुछ नहीं करते थे, माला लेके बैठे रहते थे, अभी ऐसा नहीं, अभी खूब काम काज भी देखभाल कर रहे हैं, अब पिता माता देख रहे हैं जो ये हमारा लड़का तो बहुत बदल गया है, तो शिथिल भी कर दिया थोड़ा, जो नौकर चाकर जितना अब 2-4 ही रख दो, एक ही रखे हैं। इधर नित्यानंद प्रभु आए हैं पानीहाटी गाँव, गंगा के किनार में एक सुंदर दिव्य स्थान है, हम वहाँ रहते थे पहले, हम जब नौकरी जीवन में उसके गंगा के उस पर रहते थे अपोजिट में पानीहाटी गाँव, हम वहाँ जाते थे गंगा के किनार में, वहाँ बैठते थे वृक्ष के नीचे, बड़ा दिव्य मनोरम स्थान है, वहाँ नित्यानंद प्रभु आए हैं ये खबर हो गया है। आप पिता माता से कह रहे हैं हमको थोड़ा कृपा करो, थोड़ा आदेश दो, हम नित्यानंद प्रभु से मिल के आएंगे। पिता माता देखते हैं आप तो ये तो बदल गया है लड़का, ये भागेगा नहीं, तो 2-4 जन नौकर चाकर दे करके जा तुम घूम के आ जाओ, जल्दी आ जाना, देरी नहीं करना। नहीं 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 पिताजी, हम जाएंगे और आएंगे, वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है पानीहाटी ग्राम, कितना दूर, कितना किलोमीटर होगा, दूर खूब आदिशत्तु ग्राम से, आदिशत्तु ग्राम बैंडल पड़ी तो आदिशत्तु, अच्छा अच्छा मुश्किल से 35 किलोमीटर, तो वहाँ से चले आए हैं। आने से ही नित्यानंद प्रभु बोलता है चोर चोर आ गया, देखो चोर आ गया, आ
चोर तेरे को आज सजा देंगे तेरे को, तुमने चोरी करके तुम महाप्रभु के चरण कमल प्राप्त करना चाहते हो, ऐसा थोड़ी होता है हमारी कृपा बिना। तुम हमको छुपा करके स्वत ही महाप्रभु के चरण कमल प्राप्त करना चाहते हो, चोर कहीं के हमको कुछ बताया नहीं, हमको कुछ बोला नहीं, शांतिपुर में जाकर के मिल के आ गए, ये तो कृपा है, ऐसा नहीं तेरे को सजा देंगे। तो रघुनाथ दास गोस्वामी आकर के चरण कमल में पढ़ करके उनके बहुत चरण कमल वंदना किए, बहुत उनको चरण में निवेदन किए, प्रभु आप कृपा कीजिए हमको, जिस तरह से हम महाप्रभु को चरण कमल प्राप्त करके मानव जीवन धन्य कर सकते हैं, ऐसे कृपा करो प्रभु। तो बोलता है तूने चोरी किया है, हमसे बिना पूछे तो महाप्रभु का चरण प्राप्त करना चाहता है, इसीलिए तुम चोर हो, तुमको सजा देना पड़ेगा, दंड देना पड़ेगा, इसलिए ये अन्याय के लिए तुमको दंड देना पड़ेगा। प्रभु ये तो हमारे बड़ी सौभाग्य है, क्या दंड, नहीं हमारे जितना पार्षद यहाँ है ना सबको दही चीरा ये खिलाओ, झेक के खिलाओ, अरे अथा पैसा, अरे इतना कृपा जब हो गई है तो इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है, तुरंत नौकर से कर भेजते, खूब ले आओ सब दही, ले आओ खूब दही, घना दूध, रसगुल्ला, उसके साथ और भी जितना मिठाई है, रबड़ी है, सब ले आए हैं, दही चीरा महोत्सव किए हैं, जो आए हैं सबको खिलाया भरपूर, ऐसे यार साक्षात महाप्रभु भी वहाँ पर अवतीर्ण हुए। रघुनाथ दास गोस्वामी देख रहे हैं नित्यानंद प्रभु और महाप्रभु दोनों मिल करके चीरा दधि पा रहे हैं, देख करके तो गदगद हो गए हैं, बड़े गदगद हो गए हैं। फिर महाप्रभु तो अंत महाप्रभु से नीलाचल में, लेकिन आ गए हैं, भगवान हैं, तो अब जाकर प्रसन्न हो गए हैं। फिर जा करके नित्यानंद प्रभु रघुनाथ दास कृष्ण के माथे पे चरण स्थापन कर दिए हैं, जाओ तुम चिंता ना करो, अचिरात प्रभु तुमको कृपा करेंगे, तुम महाप्रभु को चरण कमल प्राप्त करने में समर्थ हो जाओगे, अभी जैसे हो अभी जाओ। रघुनाथ दास गोस्वामी प्रसन्न होकर के, जो ना आप तो कृपा होगी जब नित्यानंद प्रभु हमारे ऊपर चरण कमल स्थापन किए हमारे मस्तक पर, तब जरूर आप हमारे ये संसार बंधन से मुक्त होकर प्रभु का चरण कमल प्राप्त करने में समर्थ हो जाएंगे। फिर अल्प दिन में ही ऐसे समय आ गया है, वही दंड महोत्सव लीला आज है, इसीलिए थोड़ा सा वाणी को पवित्र करने के लिए महाप्रभु ये लीला परिवेशन किए हैं। जय जय श्री राधे। ये कल का एक छोटा सा प्रश्न रह गया था कि संत अपराध यदि हो जाए, रिकॉर्डिंग कट गई थी, संत अपराध यदि हो जाए तो उसका निवारण कैसे संभव है? देखो संत अपराध ये भजन में सबसे बड़ा बाधा है, सबसे बड़ा बाधा है। कोई कोई कभी कभी ऐसे महत्पुरुष के चरण कमल में कभी ऐसे बड़ा प्रकार कोई अपराध हो जाता है तो भजन जीवन ही चौपट हो सकता है, इसीलिए सावधान रहना चाहिए। कोई महत्पुरुष के चरण में कोई अपराध ना बन जाए, काय मनोवचन से अपराध माने उनको कष्ट नहीं होनी चाहिए, ऐसे तो ऐसे अगर अपराध हो जाए तो उसका प्रायश्चित तो ये है, महाप्रभु कहते हैं उपाय कहिते से पारी वैष्णव अपराध खंडाइते नारी, जार चरणे होइयाछे अपराध जार से खमिले निस्तारे नहियार। बोलते हैं ये वैष्णव अपराध खंडन करने का सामर्थ्य हमारा भी है नहीं, लेकिन मैं उपाय बता सकता हूँ। ये उपाय है जिसके चरण में जिसका अपराध हो गया तो वो अगर क्षमा कर दें, प्रसन्न हो जाए, उनके हृदय से दिल से अगर वो क्षमा कर देते हैं तो ये मुक्त हो सकता है, नहीं तो और कोई उपाय नहीं है। तो ऐसे संत अपराध होने से पहले तो उसके हृदय में एक पश्चाताप होना चाहिए, जो हमसे बहुत भारी भूल हो गया, पश्चाताप बिना अपराध खंडन का संभावना नहीं।
हमारा अपराध हो गया, हम भयभीत हो गए हैं, अब उनके प्रति हमारी श्रद्धा भी नहीं और हम उनकी क्षमा मांगने के लिए भी तैयार नहीं है, लेकिन क्या करें, एक मजबूरी है, भजन में बाधा आ रही है, जा करके कहते हैं महाराज क्षमा कर दीजिए, हमसे बड़ा गलती हो गया है, ठीक है आप प्रसन्न रहिए, ठीक है। ऐसे भीतर में तो क्रोध है, कोई उनके प्रति कोई श्रद्धा नहीं, कुछ नहीं, इसमें होगा नहीं। पहले तो उनके मन में एक कष्ट होना चाहिए, अंतर्दाह होना चाहिए, जो हम वैष्णव अपराधी हैं, जो देखो हमने एक वैष्णव को दुखी किया, हाय हाय हाय, प्रभु तो हमको क्षमा नहीं करेंगे, अब क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, जो भी वैष्णव देखते हैं सबको चरण कमल में जा करके निवेदन करते हैं, चरण रज लेते हैं, इस तरह से एक अंतर्दाह होना जरूरी है। अंतर्दाह होने से भगवान ही उपाय कर देते हैं, फिर धीरे धीरे वो अपराध से मुक्त हो जाता है। और जिसका ऐसे पश्चाताप है नहीं, तो उतना सहज नहीं है इससे मुक्त होना, पश्चाताप होना जरूरी है, तब सही जहाँ अपराध हुआ है उनके चरण में जा करके। और अगर ये मालूम ही नहीं पड़े कि कहाँ अपराध हुआ है तो उस स्थिति में निर्विशेष सब वैष्णव के पास जा करके जिसको देखो उससे ही तुम क्षमा याचना करो, प्रार्थना करो, हम अपराधी हैं, हमको क्षमा कर दीजिए, और नाम प्रभु के आश्रय लेकर के अखंड नाम करते रहो और प्रार्थना करते रहो नाम प्रभु के चरण में, जो हमको क्षमा कर दो प्रभु, हम वैष्णव अपराधी हैं, तुम कृपा करो, तो नाम प्रभु के कृपा से वो मुक्त हो जाता है, ऐसे शास्त्र कहते हैं। परंतु बाबा हम